हेलो एवरीवन गुड इवनिंग वेलकम टू एमडी क्लासेस इंग्लिश के नए सेशन में आपका स्वागत है आई एम शीना जैदी आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह का पेपर आ रहा है वो आपको अब इतने दिन में अंदाज़ा हो गया होगा अगर आप ये क्लासेस देख रहे हैं या आप थोड़ा सा भी टच में है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आगे के लिए लेकिन वही सारी चीज़ें वो तो आपको रोज ही अब बता रहे हैं कि कुछ अब अलग नहीं आ रहा ईजी ही पैटर्न चल रहा है और अब जो हम लोगों का फोकस है वो ये है कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जैसे थे उसी टाइप की चीज़ें आ रही हैं उसी से रिलेटेड वो कैब आ रही है रूल्स भी जैसे वही दोहरा रहे हों तो वो सारी चीज़ें हम लोग आगे के लिए जो एक्सपेक्टेड है वो करने वाले हैं तो आज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की फिर से क्लास है और कल के लिए भी याद रखिएगा कल एक स्पेशल क्लास है वो थोड़ी लंबी हो दो घंटे के आसपास उसमें भी हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे के लिए करने वाले हैं तो वो सुबह नौ बजे होगी गुड इवनिंग पी एस सी निहारिका सुशील आकांक्षा आर मालती सो गुड इवनिंग ललिता बंटी तो आप सेशन को शेयर कर दीजिए और आपको यूजफुल लगे तो लाइक like भी जरूर कर दें और टेलीग्राम के इस ग्रुप पे आपको नोटिफिकेशन भी मिलेंगे और पी भी मिलेगा तो पी आपको चाहिए हो इस ग्रुप पे और वो चाहिए ही होगा आपको रिवाइज करना होता होगा तो पी इस ग्रुप से मिल जाएगा इंग्लिश बाय शीना जैदी गुड इवनिंग वरुण शुभी और आठ बजे रात पे अब ये मिक्स प्रैक्टिस की क्लास होती है अब एक चीज स्टार्ट होने जा रही है आपको जल्दी ही उसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी लेकिन वो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अब वो एग्जैक्ट क्या उसकी जानकारी है वो सब आपको पता चलेगा क्लास में अनाउंस भी हो जाएगा और साथ में इस ग्रुप पे भी आपको पता चल जाएगा टॉपिक वाइज एक क्लास ही चल रही है वेंसडे को ये प्रैक्टिस क्लास है ये सिर्फ दो बजे होती है वेंसडे अब स्टार्ट कर लेते हैं तो वही सब आपका आ रहा है क्लोज टेस्ट तो आ ही रहा है एक्ट पैसिव भी एक बार आया फिर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आया पैसेज जो है वो भी नहीं आया आपका और जो सिनोनिम एंटोनिम मीडियम ये सारी चीज़ें वन वर्ड ऑफ स्पेलिंग ये सब आ रहा है तो वो सब हम लोग करेंगे और जम्बल सेंटेंस भी जिसका प्रीवियस जो कुछ सालों में पिछले कुछ सालों में नहीं भी दे रहे थे वो चीज़ अब आ रही है देखिए हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली थी तो अच्छा है गुड इवनिंग सॉलीट्यूड अनमोल लाडो गुड इवनिंग अनिकेत गुड इवनिंग पहला है ईडियम है ये इसका मीनिंग बताइए इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन द डिमांड फॉर गुड्स इज ऑन द वेन on the wane का मतलब हाँ कम हो जाना on the wane टेक्निकल टीम ने बताया है hey, मैम इंग्लिश के टेक्निकल टीम ने में डाउट पूछ सकते हैं हाँ बिल्कुल वो तो डाउट था आप किसी भी क्लास में पूछ सकते हैं यहाँ पे भी उस क्लास में पूछिए तो on the wane का मतलब है कम होना ऑन द डिक्लाइन डिक्रीज होना ये मतलब है और ग्रुप है ग्रुप में पूछ सकते हैं द न्यू सीईओ इज इन फेवर ऑफ गिविंग plenty of elbow room to the managers. सबसे ज्यादा स्पेलिंग में हाँ लेकिन स्पेलिंग अब इस बार इधर बच्चे बता रहे हैं बहुत सिंपल आ रही है अभी तक उतनी सिंपल नहीं आती थी एल्बो रूम का वैसे तो एग्जैक्ट मतलब है अब उसी से ये सेंस यहाँ पे निकाली एल्बो रूम का मतलब इतना होता है कि चलने फिरने की आराम से चलने फिरने की जगह ये मतलब इसका है चलने फिरने की आराम से जगह हो जैसे एल्बो है के कोई कोहनी ऊपर किए हुए है तो आराम से कोहनी ऊपर करके भी चल ले निकल ले और यह होता है लेकिन अब उससे रिलेटेड क्या है चलने फिरने की जगह तो वो फ्रीडम वाली सेंस निकल सकती है फ्रीडम टू डू वॉट एवर वन वॉन्ट्स ये हो गया नेक्स्ट थर्ड आई कैन नॉट टेक अप एनी न्यू असाइनमेंट एज आई हैड्स फुल हैव माई हैंड्स फुल का क्या मतलब हुआ तो शुरू के ई वाले सवाल हैं वेरी रिच होना नीड टू सीख हेल्प मदद लेने की ज़रूरत है बिज़ी होना बहुत ज़्यादा या शॉर्ट ऑफ टाइम होना मतलब समय की कमी होना बिजी होना हैंड्स फुल मतलब है कि बहुत ज़्यादा मैं काम कर रहा हूँ बहुत बिजी हूँ तो वेरी बिजी इसका मतलब हुआ अच्छा बिजी के साथ कौन सा प्रपोजिशन आता है ये बताइएगा बिज़ी के साथ प्रपोजिशन कौन सा आता है बिजी एज भी होता है हाँ बेहद बिजी होना प्रेपोजिशन कौन सा बिजी इन बिजी विद बिजी फॉर बिजी विद होता है आई एम बिजी इन माई वर्क नहीं आई एम बिजी विद माई वर्क होगा इसीलिए पूछा क्योंकि हम लोग हिंदी में बोलते हैं काम में बिजी तो हम लोग वो उसको इंग्लिश में समझते हैं इन होना चाहिए लेकिन इसको बहुत रिपीट होता है ये बिजी विथ समथिंग सही नेक्स्ट ही रनस फॉर टू आवर्स एट अ स्ट्रेच टू बिल्ड हिज स्टेमिना स्टेमिना बनाने के लिए इतना दौड़ता है एट स्ट्रेच का मतलब क्या है, है ये ओमिट क्या नाम है? ये क्लास रोज आठ बजे होती है कल का टाइम क्या बताया आपको नौ बजे तो टाइम अलग होता है तो आप लोगों को याद नहीं रहता तो नौ बजे सुबह का टाइम है इसका एट स्ट्रेच का मतलब है लगातार एट स्ट्रेच मीन्स लगातार बिना रुके फिफ्थ इन्स एंड आउट्स ऑफ द केस एंड हैज बीन चोजन टू डिफेंड दूस था the ही नोज outs ऑफ द केस Ins एंड outs, outs क्या हुआ डिटेल्स बिल्कुल सही इसका मतलब होता है कंप्लीट डिटेल्स बहुत ज्यादा बारीकियां मतलब अंदर बाहर हर तरह से समझता है तो बहुत ज्यादा बारीकियां समझता है कंप्लीट डिटेल्स सिक्स्थ है अब ये एक्टिव पैसिव का सवाल गुड इवनिंग लपकुश एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है है गुड इवनिंग ये आई अ रोबोट बाय हिम इसमें तो थोड़ा अलग भी जवाब आ रहा है ये तो आप लोग ए बी सी डी सारे ऑप्शन बता रहे हैं आई वॉज रोबोट बाय हिम देखिए ये है कौन सा वॉइस ये एक्टिव है या पैसिव है और कौन सा टेंस है आई वॉज गिवेन है ये कंटिन्यू ये पास्ट इन हुआ पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव वॉइस है ठीक पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव है ये कैसे पता चला वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो पैसे हुआ ये पास्ट इंडेफिनिट अब हमें पास्ट इंडेफिनेट का एक्टिव वॉइस करना है तो वो क्या होता है एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी ये हो गया अब सेकेंड फॉर्म किस में है देखिए वॉज गिवन हो नहीं सकता ये चीज़ रॉन्ग हो गई और रोबोट बाय हिम वॉज गिवन ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया तो मतलब दो तो बिल्कुल ही गलत है ना अगर होगा सही तो ए या सी में ही से तो होगा तो ही गेव मी अ रोबोट या रोबोट गेव हिम टू मी इसका मतलब क्या है मीनिंग आप देख लीजिए अ रोबोट गेव हिम टू मी तो रोबोट ने उस आदमी को मुझे दे दिया तो रोबोट जो है वो देने का काम कर रहा है किसी व्यक्ति को तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और रोबोट वो आई वॉज गिवेन अ रोबोट ये एक ऑब्जेक्ट हो गया और एक ये भी ऑब्जेक्ट है वैसे हम लोग इसको एक्टिव पैसिव के हाई लेवल में करते हैं जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं लेकिन ऑप्शन से देख के हम यहाँ पे कर सकते हैं तो रोबोट या हिम में से कोई भी सब्जेक्ट बन सकता है तो सब्जेक्ट ये ही हो गया ही मी किसको दिया था ये चीज़, ये चीज किसको दी आई को आई कमी हो गया तो ही मी या रोबोट इस तरह हो गया आंसर ठीक नेक्स्ट खुश सही साहिब बिल्कुल ऑल द बेस्ट आप बिल्कुल इसी बार सेलेक्ट हो सेवेंथ है फिर से एक्टिव पैसिव का सवाल अब यहां पे बताइएगा क्या होगा रिचर्ड बोर अ ब्रॉड बेल्ट विथ शाइनी बकिल्स खुश रही हुई बोर अब देखा आपका नमस्ते अंकित अब वेयर की फॉर्म्स क्या होती हैं वेयर का मतलब कुछ पहनना तो वेयर War, born. अब ये फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए कई बार होता है कि हमने हाई लेवल की चीज़ तो पढ़ ली लेकिन बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ में हम कंफ्यूज हो गए कि वेयर की फॉर्म्स क्या थी उस वजह से पूरा सवाल गलत हो गया तो वोर कौन सी है सेकेंड फॉर्म सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंड इसका पैसे हुआ वॉज वर और थर्ड फॉर्म तो मतलब हुआ रिचर्ड सब्जेक्ट था वोर अ ब्रॉड बेल्ट बेल्ट ऑब्जेक्ट है तो बेल्ट पहले आ जाएगा बेल्ट अ ब्रॉड बेल्ट विथ शाइनी बॉज बॉर्न एक ही बेल्ट है हुआ यहाँ पे और तीसरी फॉर्म वॉर्न हो गई रिचर्ड के द्वारा पहनी गई थी बी ऑप्शन नेक्स्ट सेवेंथ स्पाइडर ऑन द वॉल जिया फ्राइटन मतलब डराना स्केयर करना हाँ थर्ड फॉर्म में अच्छा और पैसे में तीसरी ही फॉर्म आनी है ये चेक करिए पैसे में थर्ड फॉर्म द स्पाइडर ऑन द वॉल जिया बी लग रहा अच्छा द स्पाइडर ऑन द वॉल ऑन द वॉल जिया जिया ऑब्जेक्ट है ये सेकेंड फॉर्म तो पास्ट इंडेफिनेट है इसका पैसे हुआ वॉज या वर और थर्ड फॉर्म ये हुआ अब इसका होना चाहिए जो जो जिया है वो पहले आ जाएगी तो जिया वॉज फ्राइटेंड बाय द स्पाइडर ऑन द वॉल जिया वॉज on जिया ऑन द वॉल नहीं होगा किसी का ये आंसर नहीं चलिए सबका सही है पे है कौन वॉल पे दीवार पे वो लड़की तो नहीं है वॉल पे तो वो मकड़ी है तो इसीलिए आंसर हमारा भी हुआ तो सबका सही आंसर था नेक्स्ट नाइन्थ सेलिब्रेट का बताइएगा सिनोनिम सेलिब्रेट का सिनोनिम क्या हुआ गुड इवनिंग राधा राजन गुड इवनिंग सेलिब्रेट तो होता है बर्थडे मनाना जैसे बर्थडे सेलिब्रेट की तो आपको एंजॉय लग रहा है Lizard होना चाहिए था क्या पता हो किसी की पालतू छिपकली हो जिया इंजॉय ये प्रीवियस ईयर्स का नहीं है मतलब सेलिब्रेट वर्ड आया था लेकिन उसके ऑप्शन आसान तो उसपे कंफ्यूज करने के लिए आपको ये इंजॉय वर्ड दिया रही चकोर इंजॉय यहाँ पे नहीं होगा सेलिब्रेट का एक मतलब वो मनाना होता है लेकिन सेलिब्रेट का इंजॉय सेंस नहीं है सेलिब्रेट का मतलब जैसे मैंने बर्थडे मनाई मतलब कुछ स्पेशल करना क्योंकि वो कोई दिन खास है कोई दिन खास है इस वजह से कुछ स्पेशल कर रहे हैं सेलिब्रेट का एक मतलब किसी की तारीफ भी होता है प्रेज भी होता है और ये वर्ड बहुत रिपीट होता है कमेंट जब कमेंट रिपीट होता है तो कमेंट की वजह से उसका सिनोनिम भी पूछा जा सकता है तो ये हो गया सेलिब्रेट उसका सिनोनिम तो सेलिब्रेट का ये दूसरा मतलब है जैसे आपको बताया था कि कंफर्टेबल का मतलब आपको पता है आराम दे लेकिन कंफर्टेबल वर्ड का एक और भी मतलब होता है अमीर कंफर्टेबल का मतलब एक रिच भी होता है तो कुछ अलग हटके भी मीनिंग आ सकता है सेलिब्रेट का मतलब है तारीफ करना प्रेज करना और इससे रिलेटेड अभी लॉडेबल आया ही है तो इसका लॉर्ड अपलॉर्ड आप ये भी कर सकते हैं तारीफ करना एडमायर कर सकते हैं बी लिटिल का मतलब होता है नीचा नीचा दिखाना ये इसका उल्टा हो जाएगा बी लिटिल मतलब नीचा दिखाना और इसका हम लोगों ने कल एक वर्ड किया था ये किया था ये मिलता जुलता है ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद हो सकता है और इन्जॉय आपको पता फिर से वर इसे वॉन्डर बोला जाएगा डब्ल्यू ए एन कमेंड नहीं कमेंड वर्ब है कमेंडेबल कहेंगे तो वो प्रशंसनीय हो गया वो फेमस से मतलब नहीं है नहीं पैसे पैसे आया है अब बच्चे या तो गलत बता रहे हैं जो एग्जाम से निकले हैं अब हम लोगों ने टीचर्स ने तो दिया नहीं लेकिन जो बच्चों ने बताया एक्टिव पैसे भी बताया कि वो भी आया है सारी शिफ्ट में बिल्कुल नहीं आ रहा वो आपकी पास सही लेकिन वो फर्स्ट डे आया था तो वॉन्डर का हेसन स्टम्बल रोम या क्रेब रोम वॉन्डर का मतलब होता है भटकना इसका मतलब होता है भटकना तो ये रोम हो गया और स्टम्बल का मतलब क्या होता है इसका सिनोनिम लिख लीजिए ऑप्शंस जो हैं वो भी कभी ना कभी पूछे हैं पिछले कुछ सालों में इसका मतलब ट्रिप होता है तो स्टम्बल का मतलब होता है किसी चीज से टकरा के या तो गिर जाना या लड़खड़ा जाना या तो गिरी जाना या लड़खड़ा जाना इसका ये मतलब है अच्छा इसके लिए एक फ्रेजर वर्ब भी लिख लीजिए फॉल ओवर टक्कर खाके गिर जाना या लड़खड़ा जाना पैसेज तो नहीं आ रहा अब बच्चों ने तो यही बताया कि क्लोज ये क्लोज टेस्ट तो हर बार आ रहा है लेकिन पैसेज एक बार भी नहीं बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं आ रहा तो हम लोग इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट अब नहीं कर रहे एग्जाम से पहले हम लोग कर रहे थे कि क्या पता आई जाए क्रेव का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज्यादा चाहना यर्न या आप लॉन्ग कह सकते हैं और तीनों के साथ आपको फॉर लाना है प्रेपोजिशन वाला भी इससे इसमें पूछा जाता है फॉर यर्न फॉर लॉन्ग फॉर सबका एक ही मतलब है कि बहुत ज़्यादा चाहना कुछ हेसन का मतलब जल्दी करना जल्दबाजी करना हरी करना जल्दबाजी अच्छा अब हरी वर्ड आया है तो उससे रिलेटेड एक दूसरी चीज़ देखिए ये जल्दी में होने के लिए इन हरी होता है और इन हरी नहीं होता क्योंकि एसएससी में ये दो बार पूछा है बस एक दो साल के ही गैप से तो इन इन हरी सही है इन हरी गलत है आर्टिकल का यूज होगा आ होगा बिल्कुल तो सही प्री एम्बुलेट भी टहलने के लिए स्ट्रोल के लिए होता है नेक्स्ट है इलेवेंथ है एजाइल का निंबल अवेक अवेकॉस या ब्रैट गुड इवनिंग इन द मॉर्निंग होता है हाँ हाँ इन द मॉर्निंग होता है इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग इसका मतलब क्या है जाइल का मतलब होता है स्विफ्ट इसका सिनोनिम एक हो जाएगा यही इसका सिनोनिम निम्बल है स्विफ्ट मतलब है फुर्तीला इसका मतलब हिंदी में हो जाएगा फुर्तीला हाँ बिल्कुल सही फुर फुर्तीला इसका मतलब है अवेक का मतलब आई एम अवेक राइट नाउ मैं जाग रहा हूँ तो अवेक का मतलब जो जाग रहा है सोया तो हुआ नहीं है केओस का मतलब अफरा तफरी हो गया इसका सिनोनिम कंफ्यूजन हो सकता है कंफ्यूजन हो सकता है एक पेंडेमोनियम भी इसी सेंस में है एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन पेंडेमोनियम ये हो गया ये भी है पेंडेमोनियम और ये ब्रैट का मतलब तो इसका मतलब क्या था अफरा तफरी और ब्रैट का मतलब होता है जैसे स्पॉइल्ड ब्रैट कहते हैं ब्रैट सिर्फ अगर कह रहे हैं या स्पॉइल्ड ब्रैट कह रहे हैं ब्रैट बोला जाए या फिर स्पॉइल्ड ब्रैट इसका मतलब होता है कोई बहुत ही बिगड़ा हुआ इंसान बिगड़ा हुआ या फिर ये ज्यादातर बच्चों के लिए आता है जैसे अमीर अमीर घर के बच्चे हैं घमंडी से हैं बदतमीज से तो ये नहीं कि हर अमीर घर के सारे बच्चे ऐसे हो लेकिन ऐसे ज्यादातर ऐसे मूवीज में भी दिखाते हैं कि अमीर घर के हैं जो तो किसी की कदर ही नहीं है तो वो हो जाएंगे बदतमीज टाइप के बच्चे ज्यादातर लेकिन बड़े के लिए भी ब्रैट आ सकता है जिसको जो बुरा बर्ताव करे जो व्यक्ति बुरा बर्ताव करे वो तो आंसर तो निम्बल था यहाँ अब ये इम्प्रूवमेंट का सवाल है The apple a day keeps the doctor away. वो शरारती शरारतीस और, और बदतमीज अलग चीज होती है शरारती होना बुरी सेंस नहीं है लेकिन शरारत वो हद से ज्यादा हो जाए तो वो बदतमीजी वाला रूप ले लेता है तो वो जैसे ये है कंजूस है और फिजूल खर्ची वाला जो डिफरेंस है कि फिजूल खर्ची कोई ज्यादा है जो फिजूल खर्च ना करे तो फिजूल खर्च जो नहीं कर रहा वो अच्छी बात है लेकिन वो कुछ ज्यादा ही हद तक हो जाए वो कंजूस हो जाएगा फिर वो बुरी सेंस में हो जाएगा वैसे ही शरारत और बदतमीजी में फर्क है एन एप्पल बिल्कुल सही एन एप्पल क्यों आया एन का मतलब निकलता है वन। तो इसका मतलब और का एक मतलब और और का एक भी निकलता है वन के बजाय पर भी होता है तो एन एप्पल डे का मतलब है वन एप्पल पर डे एक एप्पल प्रतिदिन कोई खाए तो उससे डॉक्टर अवे रहेगा इसका मतलब क्या वही हम लोगों ने ईडीएम से पढ़ा था वैसे इसका मतलब होता है कि अगर कोई सेहतमंद खाना रोज खा रहा है हेल्दी फूड खा रहा है या फिर फल खा रहा है तो वो डॉक्टर को उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी सेहत अच्छी रहेगी ये ईडीएम है वैसे तो तो एन का यहाँ पे हो जाएगा बॉबल की साउंड है वन मतलब निकल रहा है और अ डे का मतलब है पर डे प्रतिदिन तेरह सुनील है डायरेक्टर फॉर टू ईयर्स हाँ नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं होते और गरीब घर गर के भी सब ऐसे और मिडिल क्लास के भी सब शरीफ नहीं होते हैं वो तो बस फिल्मों की बातें हैं और अपने को ये धोखा देना कि मिडिल क्लास के सब अच्छे सीधे ही होते हैं हैज़ बीन वर्किंग सुनील क्या है हैव हो नहीं सकता सुनील तो एक व्यक्ति है हैव गलत हो गया अच्छा अब सुनील हैज़ बीन कह रहे हैं वर्किंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्क कर रहा है सुनील हैज़ बीन वर्किंग फॉर टू ईयर्स मतलब है दो साल से काम कर रहा है और हमें परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों लाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों लाएंगे क्योंकि सिंस या फॉर अगर है तो परफेक्ट ही आ सकता है ये भी नहीं आ सकता था तो हैज बीन वर्किंग वो नेक्स्ट काम कर रहा है चौदह है किस अल्फाबेट तक इंपॉर्टेंट होते हैं ए टू जेड ए टू जेड इम्पोर्टेंट है बस बाकी करने की जरूरत नहीं है बस इतना कर लीजिए ही विल लूज ऑल हिज वेल्थ इफ ही डिज वेस इम्प्रूवमेंट मैं वेस का मतलब क्या होता है अपनी हरकतें सुधारना अपनी हरकतें सुधारना अपने में कुछ बदलाव लाना अच्छा बदलाव लाना गुड इवनिंग तो देखिए यहाँ पे लूज ऑल हिज वेल्थ उसके सारी दौलत उससे छिन जाएगी सारी दौलत वो खत्म हो जाएगी इफ़ हीस डू हो या डज हो दोनों के साथ या फिर अगर डिड भी है तो तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है जिसमें कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ गो प्ले सिंग इस तरह की फर्स्ट फॉर्म तो डू डज और डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और डजेंट सही है क्योंकि ही के साथ डज आएगा सिंगुलर के साथ डज आएगा वो तो करेक्ट यूज है फिर डोंट आ नहीं सकता डू नॉट डोंट डू नॉट तो एक ही बात है डजेंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेंड हुई सी ऑप्शन पंद्रह है द न्यूज आर ट्रू फिर से इम्प्रूवमेंट अच्छा ही क्या भाई बोर तो हाँ तो अल्फाबेट के हिसाब से थोड़ी होता है कि अल्फाबेट कौन सा मतलब के लेटर्स के हिसाब से आप देखें कौन सा लेटर इंपॉर्टेंट है ऐसा कुछ नहीं है वो तो कहीं से भी आता है हाँ वर्ड्स कौन से इंपॉर्टेंट है ये है कि कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट आप ये सवाल कर सकते हैं लेकिन उसका जवाब ऐसे नहीं दिया जा सकता वो तो क्लास में हम लोग एक सीरीज के तरह से करते हैं कि ये ये इंपॉर्टेंट है वो वाले हम लोग सारे कर रहे हैं देखिए न्यूज़ अनकाउंटेबल है न्यूज़ अनकाउंटेबल तो इसकी प्लूरल फॉर्म कुछ होगी नहीं न्यूजेस कुछ नहीं होता और क्योंकि अनकाउंटेबल है तो इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा तो सिंगुलर होगा तो द न्यूज़ इज ट्रू इज़ बीइंग भी नहीं हो सकता कंटिन्यूस वाली सेंस नहीं आएगी कि कोई चीज़ चल रही है ये वाली सेंस तो हो नहीं सकती बस इज़ ट्रू कहेंगे अच्छा अब ये बताइए क्या अनकाउंटेबल के साथ प्लूरल वर्ब आ सकता है क्या अनकाउंटेबल के साथ अभी आपको बताया कि सिंगुलर आएगा नहीं नहीं रिपीट क्वेश्चन कहाँ से होगा ये अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा सिंगुलर आता है क्या कभी प्लूरल आ सकता है नेवर अच्छा नो no. आ सकता है इसीलिए पूछा कहाँ आ सकता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत रिपीट होता है नहीं आता है अब एग्जाम्पल ऑफ नहीं नहीं वो तो फिर आप पीस को काउंट कर रहे हैं वो तो फिर आप जो आर लाए वो तो आपने पीस को काउंट किया ना पीस को तो अनकाउंटेबल नहीं ना आपने न्यूज को कहाँ काउंट किया पीसेस ऑफ नहीं ये इनडायरेक्टली काउंटेबल है पीस ऑफ तो होता है लेकिन आप वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर ऐसे कहेंगे मतलब आप काउंट किसको कर रहे हैं आप तो पीस को काउंट कर रहे हैं ना कि इंफॉर्मेशन को ना कि न्यूज को लेकिन हो कहां सकता है हो इस तरह से सकता है जैसे सिजर्स है सिजर्स बाइ नॉक्यूलर्स जीन्स ये इन सबके साथ अगर आप कहें कि कैंची यहां रखी है इन सबके साथ क्या होगा आर 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 ऐसे होगा ठीक है प्लायर्स पिंसर्स टोंग सन ग्लासेस ग्लासेस शॉर्ट्स शॉर्ट ये सारी चीजें हो जाएंगी तो यहां पे हो जाएगा ये है अनकाउंटेबल ये अनकाउंटेबल है कि मतलब कैसे है कि वन सीजर्स टू सीजर्स आप नहीं कह सकते अनकाउंटेबल तो हुआ लेकिन फिर ये थोड़ा अपवाद टाइप की चीज है कि इसके साथ फिर भी आर होगा और ये कितना आता है रूल जिसमें हम लोग पेयर का भी इस्तेमाल करते हैं अगर गिनना है अलग से नेक्स्ट है पेड़ आएगा लेकिन अगर आप पेड़ ना भी लाएं ये गलती देखिए कितना रिपीट होने वाला रूल है जो बच्चों को लगता है कि ये तो हमें रट गया है फिर भी आधी अधूरी बात रटी होती है ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि सिजर्स आएगा तो पेयर वर्ड भी आएगा सिजर्स आएगा आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे सिजर्स आर केप्ट ऑन द टेबल सिजर्स आर केप्ट ऑन द टेबल का मतलब है कैंची रखी है आप नहीं बता रहे है कि कितनी कैंची वो एक है या एक से ज्यादा है वो ना बताइए तो बस सिर्फ सिजर्स कहा जा सकता है माई जीन्स आर गुड माई जींस आर गुड मेरी जीन्स अच्छी है तो जींस को आप काउंट नहीं कर रहे तो बिल्कुल सही था ये गलती है आप लोग सही बता रहे एल ई आई एस यू आर ई लेजर की ये स्पेलिंग है अच्छा अब इसका मतलब होता है आराम कंफर्ट लेजर का मतलब हो गया आराम या कंफर्ट ग्रीवांस का मतलब होता है नाराजगी ग्रीवांस का मतलब नाराज़गी होता है इसकी वो भी लिख लीजिए मीनिंग इनका सीज का मतलब एक कॉन्फिस्केट होता है जब्त करना या किसी चीज़ को जैसे झपट के एकदम उस चीज़ को ले लेना उसको भी सीज करना कहते हैं और सिंसियर का मतलब है जैसे कोई सिंसियर स्टूडेंट है मतलब ईमानदार वाली सेंस है या सीरियस वाली है सिंसियर का मतलब सीरियस या हुआ गंभीर सीरियस स्टूडेंट नेक्स्ट है सत्रह तो ये भी आ रहे हैं स्पेलिंग एरर दो या तीन बच्चे बता रहे हैं इसमें कौन सी गलत है इसमें कौन सी मिस्टेक हाँ बिल्कुल सही यहाँ पे ए डी डी आर एस एस ये गलत है बाकी तो सही था ये है बाकी तो हाइजीन और सारी चीजें सही हैं अच्छा अब जो पूछ रहे हैं इधर जो बच्चे बता रहे हैं कि कैसे वर्ड्स पूछ रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल तो मतलब इस टाइप के पिछले कुछ सालों में थोड़े से ज्यादा वैसे टेढ़े मेढ़े वर्ड्स पूछते थे लेकिन अब थोड़े से सिंपल कॉमन वर्ड्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं जो ज्यादा कॉमन वर्ड्स हैं जैसे रोजमर्रा के वर्ड्स हैं उनको स्पेलिंग में ज्यादा पूछा जा रहा है जैसे प्रोफेसर है अग्रेशन सीजनल मौसमी हो गया और ये एस्केलेटर तो आप मॉल में जाएंगे एस्केलेटर से जाएंगे ही तो कितने कॉमन वर्ड्स हैं फोर्टी क्लास कर ली थी सिक्सटी परसेंट रिपीट अच्छा चालीस क्लासेस में ही बहुत रिपीट सिक्सटी परसेंट हो रहा है बहुत अच्छे है तो देखिए अब ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड प्रोफेसर की क्या सही है पी आर आर ओ ओ एफ एफ ई एस एस सिंगल होगा सीजनल में यहाँ पे क्या होना चाहिए एस एस ओ एन ए एल ये गलत था फिर अग्रेशन सही है एस्केलेटर इसकी क्या स्पेलिंग होगी एक सेकंड करेक्ट पूछा था हाँ करेक्ट पूछा था तो करेक्ट कौन सी एक ही है सही डबल एफ नहीं होगा बिल्कुल नेक्स्ट पे चलें थैंक यू अगले पे चलते हैं अब तो इसमें करेक्ट बता दिया बी ऑप्शन उन्नीस है ऑगमेंट ऑगमेंट का आपको बताना है एंटोनिम अब यह है प्यूट्रीफाई स्क्वांडर स्प्रेड या डिमिनिश और वो आपको बताया था एक बार टाइम चेक कर लेते हैं कल जो क्लास है कल आपकी क्लास एक शायद नौ बजे देखना पड़ेगा कंफर्म हाँ नौ ही बजे आपकी कल सुबह डिमिनिश टू देखिए ऑगमेंट का क्या मतलब होता है बढ़ाना ऑगमेंट का मतलब बढ़ाना होता है किसी चीज़ को इसका उल्टा डिमिनिश हो गया डिक्रीज या रिड्यूस करना ये डिक्रीज हो गया स्क्वान्डर का मतलब वेस्ट होता है लापरवाही से जैसा पैसे उड़ाना कोई पैसे उड़ा रहा है बहुत ज़्यादा हाँ सुबह कल है क्लास हाँ वो दो घंटे की कल है तो इसका मतलब है पैसे बर्बाद करना पैसे ज़्यादातर पैसे की सेंस में आता है लेकिन किसी भी सेंस में हो सकता है जैसे कोई खाना बर्बाद कर रहा है उस सेंस में भी हो सकता है प्यूट्रीफाई का मतलब होता है सड़ना रॉट ये सड़ना हो गया स्प्रेड फैलाना तो आंसर डी 20 ग्ली का एंटोनिम एक्सपंज इन्वेड ब्लेमिश या सोरो पेड क्लास नहीं नहीं कल पेड क्लास नहीं होगी कल फ्री क्लास ये पेड वाली तो मंडे टू सैटरडे होती है स्टेल बासी होता है ग्ली का मतलब खुशी होता है ग्ली मतलब हो हो गया तो ही। इसका हो गया, तो इसका मतलब सैडनेस, दुख। ब्लेमिश का मतलब दुख, का है धब्बा, 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 धब्बा दाग 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 करते हैं इसको, तो दाग या मतलब दाग तो या मतलब एक ही चीज है उसको ब्लेमिश कहेंगे इनवेट का मतलब वही आक्रमण वाली सेंस है आक्रमण करना उसको इनवेट एक्सपंज क्या होता है मिटाना स्पेशली यादों से किसी चीज को मिटा देना ऐसा कुछ करना कि आदमी कुछ भूल ही जाए उसको कहेंगे एक्सपंज करना या इरेज मिटाना ट्वेंटी वन हाँ कल मैराथन टू आवर्स का है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का है इराडिकेट जड़ से ख़त्म करना होता है वो भी ऐसी सिमिलर चीज हुई यूज योर लॉजिकल थिंकिंग फॉर डैश डिसीजंस टूडे एज यू विल सर्टेनली सक्सीड डैश डिसीजंस कैसे होंगे अपना मतलब दिमाग इस्तेमाल करो और इस तरह के इस फैसलों के लिए आज इस्तेमाल करो क्योंकि तुम सफल जरूर हो गए देखिए रोज का टाइम रात के आठ बजे है और कल का टाइम है सुबह नौ बजे ये है और टेलीग्राम के इस ग्रुप पे आपको लिंक मिल जाएगा वैसे आप यहाँ पे भी जाके क्लास को ढूंढ सकते हैं इंग्लिश बाय शीना जैदी ये ग्रुप का नाम है टेलीग्राम का तो किस तरह का डेस्परेट मतलब हो गया वो हताश बिल्कुल मायूस वाला मायूस डिसीजनस लो ये कोई नहीं कहेगा मायूस फैसले कैसे होंगे फैंसीफुल का मतलब है काल्पनिक फैंसीफुल का मतलब है काल्पनिक इमेजिनरी ये वैसे सिनौने में भी पूछा गया है डेंजरस खतरनाक क्रिटिकल का मतलब एक होता है एक आलोचनात्मक होता है क्रिटिकल का मतलब एक सीरियस भी होता है तो क्रिटिकल यहाँ सीरियस वाला हो गया सीरियस uh, फैसले तुम अभी अपना दिमाग उनमें इस्तेमाल करो जो बड़े फैसले हैं 22, It was difficult to to dash Gopal to watch a horror movie. देखिए पार्ट ऑफ स्पीच का आप लोग ध्यान रखिए आप लोग कई बार ऐसा लगता है आपने बहुत अच्छा लर्न तो किया है लेकिन जैसे लाइन से आपने सिनोनिम कई बता दिए पांच छह बता दिए लेकिन उसमें ऐसा बहुत बार होता है कि एक वर्ड एक वर्ड नाउन था एक उसमें वर्ब आ गया एक एडजेक्टिव आ गया तो वो सिनोनिम आपस में नहीं हो सकते सेम होनी चाहिए इंटरेस्ट नहीं हो सकता इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी को कोई जिम्मेदारी देना तो हॉरर मूवी देखने की भूतिया तो कोई फिल्म है वो जिम्मेदारी का तो सेंस निकलेगी नहीं ये गलत है परसुएड कंसल्ट परामर्श लेना जैसे डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं किसी की राय लेना हो सकता है तो ये कंसल्ट वाली सेंस भी नहीं निकल रही कि भूत की फिल्म देख लो फिर है परसुएड या डिस परसुएट मतलब किसी को राजी करना डिसट का मतलब क्या होता है इसका आपको नहीं पता कि इस वजह से तो आपको गलत नहीं लग रहा है देखिए डिसट का मतलब परसुएट का जो है वो इसका उल्टा है परसवेट का मतलब ये है परस का मतलब होता है कि किसी को राजी करना कुछ काम करने के लिए कुछ काम करने के लिए राजी करना और डिसवेट का मतलब होता है कुछ काम ना करने के लिए राजी करना कुछ ना काम ना करने के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसे हॉर फिल्में पसंद है तो राजी नहीं होता ये है परसुएट कन्विंस आपका आंसर सही था लेकिन क्यों दूसरा रीज़न भी ये देखिए एक तो मीनिंग लग रहा है और टू वॉच है टू वॉच का यूज़ किया तो कन्विंस या परसुएट के साथ टू आएगा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और अगर हम डिसवेट करेंगे तो इसके साथ फ्रॉम आएगा फ्रॉम प्लस आई तो अगर है कि वो इतना ज़्यादा देखना चाहता है भूतिया फिल्म तो मना करना मुश्किल है ये कहना मुश्किल है कि तुम मत देखो तो उसके लिए डिसवेट फ्रॉम वॉचिंग हो जाएगा डिसवेड होगा फ्रॉम वॉचिंग आंसर था बी ट्वेंटी थर्ड माई नेबर वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल वेन ही डेवेलप्ड एन एलर्जी डैश सम मेडिसिन ही टुक माई नेबर वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एलर्जी ऑफ एलर्जी के लिए नहीं फिक्स नहींपोजिशन है एलर्जी हो या एलर्जिक हो इनमें से कुछ भी हो दोनों के साथ एलर्जी एलर्जिक के साथ क्या आता है टू प्रेपोजिशन टू आता है एलर्जी एलर्जिक के साथ टू का यूज होता है नेक्स्ट शायद ये मैराथन में भी आया था सिक्स आवर्स की मैराथन में अ पर्सन हु इज ट्रेन अब ये वन वर्ड आ गया पर्सन हु इज टू ट्रेवल इन अ वो क्या हुआ जो अंतरिक्ष यान में चले गुड इवनिंग अच्छा ये नहीं तो, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं एस्ट्रोनॉट होता है अच्छा एस्ट्रो ये रूट वर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था वो कैप क्लास में एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार उसी से रिलेटेड ये ये जो साइन हम लोग बनाते हैं जिसको हम लोग स्टार कहते हैं उसका नाम उसका मतलब क्या होता है एस्टेरिस्क होता है ये एस्टरिस्क बोला जाता है इसको एस्टेरिस्क कहते हैं तो ये भी उसी स्टार से आया है तो एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोनॉट ये सब एक ही जगह से आए तो आंसर एस्ट्रोनॉट है एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी हो गया फिर ऑडिटर कौन होता है जो ऑडिट करने का काम जिसका है जैसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड को चेक करता है जांच करता है कि सही है या नहीं ईमानदारी से सब काम हुआ है नहीं कौन होता है या इसका सिनोनिम हो जाएगा और इसका मतलब होता है बिल्कुल जो ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ही कम एक्सपीरियंस किसी चीज का है या तो बहुत ही कम एक्सपीरियंस है या बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल नया नया जो किसी काम में हो नेक्स्ट ऑडिटर की पोस्ट है हाँ बिल्कुल ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव द हाउस हैज़ बीन ऑप्शन बिफोर बी रीच्ड देर इसमें इम्प्रूवमेंट गुड इवनिंग राहुल मतलब लग रहा है लाइट शट चली गई ए सी भी बिल्कुल बंद हो गया एक तो स्टूडियो भी इतना छोटा सा कि उसमें गर्मी लगने लगती द हाउस हैज़ बीन ऑप्शन हैज़ बीन मतलब वो बेच दिया गया मतलब उसको नीलाम कर दिया गया है नीलाम कर दिया गया है ये पैसे वॉइस है अब नीलाम कर दिया गया पहली चीज़ तो इसमें गलत यह है कि ऑक्शन नहीं होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा ये ऑप्शन नहीं हो सकता ये दो गलत हैं अब कह रहे हैं कि जब हम पहुंचे थे उससे पहले ही ये काम हो गया था जब हम पहुंचे थे उससे पहले ही हो गया था तो जो ज़्यादा पुराना वाला काम है पास्ट में दो काम हो रहे हैं जो ज़्यादा पुराना वाला काम है पास्ट का पास्ट है उसमें पास्ट परफेक्ट आता है ड बीन ऑप्शन पास परफेक्ट का पैसे हो गया नेक्स्ट ट्वेंटी सिक्स अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ वेहीकल्स और एनिमल्स ट्रेवलिंग टूगेदर उनको क्या बोलेंगे मोर पास था हा ग्रुप ऑफ पीपल वो क्या होता है मोनेस्ट्री होता है कैरोवे कॉन्वेंट होता है या फ्लीट होता है कारवा बोलते हैं कि बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ चले जा रहे हैं बहुत बड़ा सा ग्रुप है बच्चे भी हैं उसमें एनिमल्स भी जा रहे हैं तो वहीं पे फिर वो बीच में रह रह जाते हैं वहीं पे सो गए फिर आगे बढ़ गए तो उसको कहते हैं कैरावैन मोनेस्ट्री में कौन होता है यहाँ पे मंग रहते हैं तो मंग जहाँ पे रहते हैं ये रिलीजियस Uh, ये प्रीस टाइप के हो गए रिलीजियस पीपल हैं जो साधु जैसे जो समाज से बिल्कुल अलग एक जगह पे रहते हैं तो वो मंग हुए कॉन्वेंट में कौन रहती हैं यहाँ पे नंस रहती हैं जो क्रिश्चियन नंस होती हैं वो यहाँ पे रहती हैं और या फिर कॉन्वेंट स्कूल भी होते हैं ऐसा स्कूल जिसको नंस चला रही हैं तो नंस के रहने की जो जगह है वो कॉन्वेंट है या नन्स जिस स्कूल को चलाएं उसको कहते हैं तो ये नंस वाला स्कूल हो गया मतलब तो जो नंस चलाती हैं तो वो कॉन्वेंट स्कूल जैसे अब तो हर इंग्लिश मीडियम स्कूल को लोग वैसे ही बोल देते हैं कॉन्वेंट नेक्स्ट हाँ बिल्कुल जिप्सी वाला फ्लीट क्या होता है फ्लीट भी बहुत सारी अगर गाड़ियां हैं बहुत सारे शिप हैं स्पेशली शिप से आया है काफी सारे शिप हैं वो साथ में जा रहे हैं कहीं तो उसको कहेंगे ग्रुप ऑफ शिप से तो उसको बोला जाएगा ये फ्लीट या गाड़ियों को भी कह देते हैं जैसे कोई बड़ा नेता होता है मोदी जी जैसे चलते होंगे तो कितनी सारी गाड़ियां उनके साथ जाती होंगी तो वो पूरा उनका फ्लीट हो गया मतलब गाड़ियों का एक पूरा ग्रुप है शिप का पूरा ग्रुप है उसको कहते हैं या फिर फ्लीट उसको भी कहते हैं जब बहुत सारे लोग एक साथ हों गाड़ियों के साथ हों तब भी उसको फ्लीट बोल देते हैं वैसे ही शिप के लिए ज्यादा आता है शिप या कार्स इनके लिए ट्वेंटी सेवन एनिमल्स दैट लिव इन वाटर उनको क्या कहेंगे आर्मी ग्रुप में जाते हैं आर्मी ग्रुप में मतलब कॉन्वेंट तो नन्स वाला होता है नन्स जैसे जैसे हम लोगों के स्कूल का तो नाम ही लॉरिटो कॉन्वेंट था उसके नाम ही में कॉन्वेंट वो भी नन्स चलाती थी जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल होते हैं वैसे एक्वेटिक बिल्कुल जो जानवर पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक कहते हैं और टेरेस्ट्रियल का मतलब जो लैंड पे रहते हैं और एरियल का मतलब हवा से रिलेटेड हो गया आर्बोरियल का मतलब है ट्री से रिलेटेड ट्वेंटी एट अब ये सही क्रम में लगाना है तो जम भी आपका आ रहा है तो जम भी आपको प्रैक्टिस करनी है आपने अलग से अब नहीं की अगर अब कर लीजिए अगर आपका अभी कुछ दिन है एग्जाम में तो आपकी अब भी टाइम है अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है बहुत सिंपल है ये सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं तो अब इसको हाँ एक्वा मतलब वाटर था अब इसको ट्राई करिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये ज़्यादा होता है लेकिन मुश्किल नहीं है फिर वही देखिए कि कौन सा ऑप्शन स्टार्टिंग में नहीं होगा नाइन्थ को है अच्छा ऑल द बेस्ट चलिए आप लोग आंसर तो करने लगे ठीक है अब देखते हैं यहां पर चलिए अब देखिए <laughs> दीमक आप लोग क्यों कहते हैं दिमाग को देखिए इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड अब देखिए इन सच प्लेसेस कह रहे हैं क्या ये सबसे पहले हो सकता था ये ऑप्शन वैसे भी नहीं है लेकिन फिर भी हमें पूरा देखना है सच प्लेसेस हम नहीं कहेंगे सच का तो मतलब ऐसी जगह है ऐसी जगहें तो हम तब कहेंगे ना जब हमने कुछ जगह बताई हो तो सबसे पहले पॉसिबल ये नहीं था सम आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर हो सकता है देखिए दीज और दिस भी कब आएगा दीज और दिस का मतलब भी है ये आप कह रहे हैं मतलब जैसे आपने उस चीज़ की बात की हो तब आप दीज कहेंगे ठीक तो मतलब है दीज और दिस भी हम पहले बात कर चुके होंगे तब बोलेंगे तो सी और डी शुरू में नहीं हो सकता ये दो रॉन्ग हो गए तो हमें इतना पता चला पहले बी होगा फिर ए होगा तो सबसे पहले बी हुआ फिर ए हुआ सम डेजर्ट्स आर टोटली विदाउट वाटर कुछ डेजर्ट्स ऐसी होती हैं जहां बिल्कुल पानी होता ही नहीं है इन सच प्लेसेस अब सच प्लेसेस कौन सी प्लेसेस हुई जिनकी अभी हमने बात की जो रेगिस्तान है तो इन सच प्लेसेस स्ट्रांग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड ऐसी जगहों पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं जिसमें जो सैंड है वहाँ की जो रेत है वो उसके पहाड़ जैसे लग जाते हैं वहाँ पे तो हीप्स उनके लग जाते हैं मतलब ढेर लग गया पहाड़ का फिर उसके बाद क्या होना चाहिए दिस सैंड अच्छा हीप्स ऑफ सैंड होते हैं अब उनको कह रहे हैं कि उसका नाम क्या होता है वो जो सैंड है तो सैंड की बात हुई अब कह सकते हैं हम दिस सैंड दिस सैंड इज डिपोजिटेड इन ह्यूज माउंट्स कॉल्ड सैंडूंस तो ये जो सैंड है वो एक जगह एक के ऊपर एक इकट्ठी होती रहती है थोड़ी सी छोटे से जैसे टीला हो उस टाइप की लगने लगती है उसका नाम सैंड्यून होता है ये थर्ड हो गया अब हम सैंड्यून की बात कर चुके हैं तो अब हम कह सकते हैं उसके बाद दीज ड्यून्स हमने बात कर ली अब दोबारा उसकी बात कर रहे हैं तो दीज ड्यून्स मतलब दीज सैंड शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट तो ये जो सैंडून्स है ये भी खिसकते रहते हैं ये कोई एक फिक्स जगह नहीं होती तो ये भी खिसक जाते हैं ने, तो आंसर हमारा क्या हो गया बी ए बी ए सी बी ए डी सी हुआ ठीक है बी ए डी सी नेक्स्ट ट्वेंटी नाइन फिर वही सेंटेंस रीअरेंजमेंट जम्बल अब यही सारी ट्रिक्स चल रही हैं कोई एक ट्रिक नहीं होती अगर आपको कोई ऐसा वीडियो दिखाई दे कि एक ट्रिक या ऐसे ऐसे वीडियो यूट्यूब पे हैं कि एक ऐसा रूल जिससे आप कोई भी इंग्लिश का सवाल सॉल्व कर लें ऐसे रूल्स हैं ऐसे वीडियोस हैं थंबनेल को वो ऐसा बना देते हैं कि बच्चा उसे खोल के देखे ही तो बिल्कुल धोखा देना है तो वो तो धोखा दे ही रहे हैं आपको आप क्यों धोखा खा रहे हैं क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कोई पूरा एक सब्जेक्ट ऐसा होता है कि एक रूल जान लो सब कुछ आपको पता चल जाएगा उससे तो वो बस ये है कि व्यूज ज़्यादा से ज़्यादा आए बच्चे के साथ धोखा लेकिन आप खुद भी थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे आपको पता चल जाएगा ऐसे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि एक आर्ट ट्रिक होती है हाँ कुछ कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो हम लोग देखते हैं देखिए अब क्या चीज़ें हैं जैसे आपसे बताया कि दिस और दीज का आपको देखना है सच है तो वो आप देखिए यही आप ट्रिक कह दीजिए अब ये ही बोल दें कि चलो ट्रिक्स आज करेंगे हेडिंग डाल दी तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा कि अरे आज हम ट्रिक जानेंगे आज कोई शॉर्टकट बड़े आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा लेकिन अब आप अब आप छोटे तो बिल्कुल है नहीं अब समझदार हो गए हैं तो यहां पे भी वो समझ अप्लाई करिए कि धोखा बिल्कुल ना खाइए चलिए अभी करते हैं फिर इसमें भी थोड़े अलग अलग जवाब आ रहे हैं सम यूरोपियंस डिमांड दैट यूरोप स्लैम्स इट्स गेट्स मतलब वो कुछ यूरोपियंस डिमांड करते हैं कि जो यूरोप है वो अपने गेट्स को बंद कर ले बट अदर्स अब सबसे पहले कौन सा नहीं हो सकता था वो देखिए बट अदर्स क्या कह सकते हैं बट का भी तो किसी से रिलेशन होगा ना अब आप इसको भी ट्रिक कह सकते हैं कि बट का किसी से रिलेशन होगा तो ये बिल्कुल शुरू में नहीं आएगा हमारा एक ऑप्शन रॉन्ग हो गया दूसरी रीजन है अदर्स हम शुरुआत में तो अदर्स नहीं कहेंगे ना हम पहले कोई चीज बोलेंगे किसी के बारे में बात करेंगे तभी तो हम अदर्स पे जाएंगे तो मतलब है कि डी ऑप्शन सबसे पहले पॉसिबल नहीं था नोवेयर इज इट कहीं पे भी है वो भी हमें नहीं पता तो सी भी होता तो सबसे पहले पॉसिबल नहीं था अब यहाँ पे देखिए और क्या हो सकता है गेट्स की बात की गई है यहाँ पे गेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा ज्यादा खोल दें गेट को तो मतलब है कि यहाँ पे ए और डी आपस में रिलेटेड है कुछ लोग कह रहे हैं कि यूरोप अपने गेट को बंद कर ले अपने दरवाजे बंद कर ले। लेकिन दूसरे लोग क्या कह रहे हैं कि वो अपने दरवाजे और ज्यादा खोल दें लोगों को आने दें मतलब ए के ठीक बाद डी होना चाहिए ए के ठीक बाद डी किसमें आ रहा है इसमें आ रहा है हम इसको चेक कर लेते हैं देखिए अब डी ऑप्शन है सबसे पहले बी होगा टुडे मोर एंड मोर ह्यूमन आर क्रॉसिंग मोर एंड मोर बॉर्डर जॉब आज कल ज्यादा से ज्यादा लोग अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं जॉब की तलाश में फिर नो ये जो छोड़ के जा रहे हैं वो वाली प्रोसेस तो ये वाली जो प्रोसेस है ये किसी भी जगह उतनी ज्यादा नहीं दिखाई देती जितना यूरोप में दिखाई देती है तो ये वाली चीज उतनी नहीं दिखाई देती कि अपना देश छोड़ के लोग किसी और जगह जाके बस दें जितनी यूरोप में है अब यूरोप की बात हुई तो हमने यूरोप की फिर से बात की यहाँ पर सम यूरोपियंस अब कुछ यूरोपियंस ये कहते हैं कि नहीं इतने लोग क्यों आ रहे हैं हमारी जॉब्स का क्या होगा तो गेट बंद कर दो किसी को ना आने दो फिर ये हुआ लेकिन दूसरे लोग क्या कहते हैं दूसरे लोगों को लगता है नहीं नहीं आने दो कोई बात नहीं है वो भी हमारे देश आ सकते हैं तो बी सी एडी हो गया ट्वेंटी नाइन था अब थर्टी इसके बाद बस ये क्लोज टेस्ट कर, फिर ये वाला बस और है फिर हम लोग क्लोज टेस्ट पे चलेंगे अब ये कहानी की तरह है बिल्कुल बहुत बड़ा सा लग रहा है लेकिन बड़े हम लोग इसलिए कर रहे हैं एक तो आया एग्जाम में दूसरी चीज फिर ये है कि आपको बड़े को सॉल्व करने की आदत हो नहीं तो एग्जाम में आप और घबरा जाएंगे आसान में भी आप परेशान हो जाएंगे बिल्कुल हाँ क्लोज टेस्ट है इसके बाद अब इसको थोड़ा कहानी इसमें हिंट कम है लेकिन कहानी की तरह है ए आपको लग रहा है ये तो ज्यादा लोग ए ही सभी बता रहे हैं ठीक है, है चलिए अब देखते हैं इसको और अगर आपको इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है ये जो तीनों हम लोगों ने किया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको अलग से फिर बाद में सॉल्व करिएगा टाइम लगा के करिए फिर टाइम शुरू में ना देखिए फिर जब सही होने लगे तब टाइम पे काम करिए कि जल्दी हो जाए देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले अच्छा कौन सा नहीं हो सकता था बिल्कुल ऑल एवर हाउ एवर प्रूव एंडवर्दी ब्रदर एंड निगलेक्टेड द बॉय देखिए दो वजहों से नहीं हो सकता हाउ आ रहा है हाउ तो तब आएगा ना जब आप कहेंगे फिर भी ऐसा है फिर भी ऐसा है तो सबसे पहले अभी हमने कोई बात कहा की कि हम फिर भी बोल दें और दूसरी चीज है निग्लेक्टेड द बॉय द बॉय का मतलब है कोई विशेष बॉय की बात हो रही है तो हमने तो किसी बॉय की बात ही नहीं की तो मतलब है कि सी ऑप्शन गलत हो गया अब कौन सा आप लोग ये बता रहे थे तो उसको पूरा चेक कर लेते हैं सबसे पहले हुआ व्हेन ऑर्लैंडोज फादर सर रोलेंड डी बॉयज डाइड He left his his youngest son to the care of his eldest brother Oliver. अपने यंगेस्ट जो सबसे छोटा बेटा था उसको सबसे बड़े बेटे ऑलिवर की देखरेख में छोड़ दिया कि वो सबसे बड़ा है तो वही अब उसको पालेगा यंगेस्ट सन टू द केयर ऑफिस एल्डर्स ब्रदर ऑलि सबसे पहले बी हुआ फिर उसके बाद होना चाहिए ऑलिवर हाउएवर अब ऑलिवर की बात हुई फिर से हम ऑलिवर की बात करें लेकिन ऑलिवर जो है वो एक बुरा भाई साबित हुआ इस लायक ही नहीं था कि अनवर्दी ब्रदर था एंड निगलेक्टेड द बॉय वो इस लायक ही नहीं था कि भाई भी कहलाए और उसने अपने भाई को निग्लेक्ट किया उस बच्चे को एक, उसने बिल्कुल इग्नोर कर दिया ध्यान ही नहीं उस पर देता था फिर होना चाहिए एज टाइम पास धीरे धीरे जब टाइम पास हुआ तो क्या हुआ ही ग्रू जेलस ऑफ हिस ब्रदर्स फाइन अपियरेंस जेंटल मैनर्स एंड एट लास्ट ही विश टू डिस्ट्रॉय हिम मतलब इतना बुरा भाई था कि उससे धीरे धीरे जलने भी लगा पहले वो छोटा था लेकिन धीरे धीरे फिर वो जो छोटा भाई था वो सुंदर भी लगने लगा होगा उसके मैनर्स भी अच्छे थे तो लोग उसको पसंद करते होंगे तो ये भाई उसके तरफ बनने के बजाय उसको बर्बाद करने की सोचने लगा इतना चिड़ने लगा इससे तो बर्बाद करने की बात हुई तो अब यहाँ पे आया कैसे बर्बाद करेगा इट वॉज ऑल ओवर हु ब्रदर टू रेसल विद द फेमस मैन सो मेनी अदर्स इन डेज पास एंड इट वॉज ब्रदर्स निगलेक्ट ऑफ हिम दैट मेड ऑलैंडो से दैट ही विश टू डाई तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं यहाँ पे उसने कैसे पर बात करने की कोशिश की कि एक आदमी से वो रेस्लिंग उसकी कुश्ती करवाने की सोची और उस आदमी की ऐसी छवि थी कि वो हमेशा जिससे भी लड़ता था उसको मारी डालता था वो तो उसने सोचा इस तरह मैं अपने भाई से छुटकारा पा लूंगा और ये क्रूर भाई जो था उसी की वजह से वो जो बेचारा ऑरलैंडो था जो छोटा भाई था वो ये चाहता था कि उस वो मर ही जाए तो मरना पसंद करता था इतने बुरे भाई से के साथ रहने के बजाय तो बी सी एडी सही हुआ अब आगे बढ़ते हैं ये पैसेज आ गया अब पैसेज देखिए कम हुए कम हुए पांच ईडीएम हुए एक थोड़ी किया था पांच ईडीएम हुए थे आज तो मोर ए वर्ड विदाउट स्टॉपिंग अंटिल इवन अंटिल इलेवन ओ क्लॉक पांच ग्यारह बजे तक उसने लगातार काम करता रहा देन ही मेड डैश अ कप ऑफ टी दे जो ही है तो उसी के हिसाब से तो होगा मतलब उसने जो लड़का है जो आदमी है उसने अपने लिए बनाया तो ही मेड हिमसेल्फ अ कप ऑफ टी एक कप चाय अपने लिए बनाई He was enjoying himself sitting alone, dash the fire. Sitting alone, dash the fire. यहाँ बताइएगा। आगे भी हिम्मत पे। हाँ, वो enjoy के वजह से। Besides होगा। अच्छा। अब बताइए। एम में उन्नीस क्वेश्चन करके आया हूँ आपकी क्लास देखने के बाद पहले चार ही कर पाता था बहुत अच्छे नवीन आप में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ आप अच्छी परफॉर्मेंस आपकी गई बाय द फायर अच्छा और थैंक यू बाय क्यों होगा देखिए बाय तो द्वारा के लिए होता है बाय का मतलब एक तक भी होता है बाय का तक भी मतलब होता है लेकिन बाय का एक और भी तो मतलब होता है बगल में बाई का मतलब बिसाइड भी होता है मतलब किसी चीज़ की साइड में किसी चीज़ की बगल में ये होता है बिसाइड्स क्या है बिसाइड्स का मतलब है के अलावा बिसाइड्स का मतलब है अपार्ट फ्रॉम या इन एडिशन टू अपार्ट फ्रॉम या इन एडिशन टू ये मतलब है तो वो आग के अलावा बैठा हुआ था आग के अलावा बैठा हुआ था उसका मतलब है आग भी बैठी हुई थी वो भी बैठा हुआ था बिसाइड होना चाहिए बिसाइड का मतलब है किसी चीज़ के बगल में या इसके लिए आप नेक्स्ट टू भी कह सकते हैं ये बोल दीजिए बाय भी कह सकते हैं ऑन द फायर बैठा था या आग के अंदर ही बैठ गया था ये तो नहीं होगा आप कितनी ठंड लग रही थी कि आग के अंदर ही बैठ गया तो आंसर हमारा बी है फायर लाइट डांस ऑन द वॉल्स एंड डैश ट्रेंज शेडोज अराउंड द रूम अच्छा सोनू कास्ट ड्रॉप्ड पिक या स्टक देखिए शेडो पड़ा किसी चीज पे लाइट पढ़ना या परछाई पढ़ना उसके लिए ये कास्ट वर्ड होता है लाइट पढ़ना रोशनी पड़ना परछाई पढ़ना उसके लिए ये कास्ट आता है तो हम शेडो की बात कर रहे हैं परछाई के लिए अजीब अजीब से उसमें जो दीवार थी मतलब हर तरफ रूम में अजीब अजीब से शेडो पड़ रहे थे क्योंकि लाइट वो थोड़ा सा डांस की तरह कर मतलब जैसे नाच रही हो लाइट तो वो जो आग जली थी वो उसकी लपटे थी ड्रॉप हो नहीं सकता गिरने वाली सेंस ये परछाई के लिए नहीं आती पिक का तो मतलब होता है उठाना पिक का मतलब उठाना हो गया स्टक का मतलब क्या है चिपकना स्टिक की पास टेंस चिपकना हो गया तो आंसर हमारा हुआ ए फोर्थ है टी टेस्टेड well, the... अच्छा कोई बात नहीं सोनू आपको नहीं तो आप रिकॉर्डिंग थोड़ी सी जो मिस हुआ है वो देख लीजिएगा अच्छा क्वेंट स्किलफुल अट्रैक्टिव कौन सा डी ही सबको लग रहा है ठीक देखिए स्किलफुल चाय के लिए स्किलफुल वर्ड नहीं हो सकता वो कुशल थी निपुण चाय थी तो वो पॉसिबल नहीं है वो इस तरह सा टेस्ट उसका लग रहा था क्वेंट का मतलब होता है ब्यूटिफुल अट्रैक्टिव लेकिन क्वेंट किस सेंस में आता है जो पुरानी सी चीज़ लगे जो चीज़ पुरानी सी है लेकिन वो सुंदर लग रही है मतलब वो थोड़ी जैसे कुछ पुरानी चीज़ें पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो जो सुंदर सी लगती हैं तो ब्यूटीफुल प्लस ओल्ड ये है तो चाय के लिए नहीं हो सकता और अट्रैक्टिव आकर्षक वो देखने की सेंस में होगा यहाँ पे एकलेंट मतलब बेहतरीन एक्सेलेंट तो किसी भी सेंस में आ सकता है ना किसी इंसान के लिए भी आप एक्सीलेंट कह सकते हैं किसी काम के लिए भी निर्जीव के लिए भी सब कह सकते हैं डेली क्लास की नहीं रहा प्लेलिस्ट प्ले लिस्ट तो आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे आपको ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा अभी बस इसके बाद बता देते हैं ग्रुप भी वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा वहां पे आपको सब मिलेगा नेक्स्ट वियर्ड भी होता है क्वीन ब्यूटीफुल हाँ ब्यूटीफुल और पुराने की सेंस है थोड़ा सा जो अजीब लगे भी सेंस है उसकी फिर है लास्ट देन फॉर डैश फर्स्ट टाइम ही नोटिस हाउ मच नॉइस रैड्स वॉर मेकिंग ये द रैड्स है और कल क्लास हम लोगों की नौ बजे सुबह है तो नौ बजे सुबह याद रखिएगा क्लास कल स्पेशल टाइम पे ये है देन इतनी खामोशी थी तो उसने पहली बार क्या नोटिस किया देन फॉर अ फर्स्ट ओनली फर्स्ट वन फर्स्ट या द फर्स्ट टाइम ही नोटिस हाउ मच नॉ इज द रेड्स वॉर मेकिंग द फर्स्ट होगा ये क्यों होगा द फर्स्ट इसका क्या रूल है जो ऐसे ऑर्डिनल नंबर होते हैं जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे होते हैं उसके साथ द का यूज होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे वर्ड्स के साथ द का यूज होगा जो नंबर कहलाते हैं तो उनके साथ आप डाल ठीक है नहीं नहीं याद तो करने पड़ेंगे वो अच्छा बुरा तो नहीं देख सकते ज्यादा तो बस ये क्वेश्चन था क्लोज टेस्ट कितने सही हुए आप इसको एक टेस्ट की तरह अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको एक टेस्ट की तरह लिया करिए जैसे आप मॉक टेस्ट देते होंगे तो आप ये देखिए हम लोगों ने कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए कितने आपके सही हुए उसमें से ये ज़रूर ट्रैक रखिए आपके कितने आपके सही हो रहे हैं हाँ मैराथन कल है कल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का आ, है सेशन को लाइक like और शेयर भी कर दीजिएगा थैंक यू वेरी मच बिल्कुल थैंक यू सब कुछ ऐसा होता है वन हंड्रेड परसेंट थैंक यू प्रेमा थैंक यू सौभाग्य डेवल्स थैंक यू मोबाइल मोबाइल फूट गया अरे ये कैसे फूट गया कुछ किसी को चोट तो नहीं आई नौ बजे सुबह कल क्लास होगी टू आवर्स की नौ से ग्यारह होगी थैंक यू वेरी मच इसमें हम लोग थैंक यू शुभी इसमें हम लोग कर ये नौ बजे टाइम लिखा है कल के लिए ये सिर्फ संडे के लिए क्लास है थैंक यू मालती संडे के लिए क्लास है और रेगुलर टाइम आपका यही रहेगा ये रात में आठ बजे इसी टाइम पे क्लास हुआ करेगी और जो नई चीज प्लान हो रही है आपको जल्दी उसके बारे में पता चल जाएगा वैसे हम लोग चैप्टर वाइज की सोच रहे हैं थैंक यू वेरी मच आर चैप्टर वाइज की हम लोग प्लान कर रहे हैं तो आपको एक दो दिन में जानकारी उसकी मिल जाएगी उम्मीद है कल तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं लखनऊ ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उसमें हम लोग वही वाला चैप्टर करते हैं जो एक पेड क्लास चल रहा है पेड क्लास हम लोगों का जो इंग्लिश फाउंडेशन बैच है जिसमें बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कंप्लीट तैयारी होती है उसमें जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं उसी को हम लोग इस टाइम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हम लोगों ने अभी वर्ब्स का चैप्टर अभी चल रहा है तो उसकी प्रैक्टिस होगी ठीक है पुषे हुए बोल गुड नाइट ज्योति मैराथन कल है हाँ गिरने से फ़ोन को ही छोड़ नहीं फोन गिरने से नहीं उन्होंने कहा था उनका फ़ोन फट, फट गया तो फ़ोन फटने से तो ये तो बड़ी चीज़ है फ़ोन को तो हाँ बेचारे को लगी अफसोस है उसके लिए और ये वेंसडे को चैप्टर वाइज एक दूसरी क्लास है चैप्टर वाइज ये सिर्फ वेंसडे को दिन में दो बजे तो इसका टाइम याद रखिए कुछ भी अलग टाइम होता है तो बच्चे ज़्यादातर भूल ही जाते हैं और आप अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहें सीजीएल की आपको तैयारी करनी है तो ये वाला कोर्स है उसके लिए इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस 699 फीस है आगाज 2.0 इसमें आपको टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल ये भी सब कुछ मिलेगा थैंक यू राधा बिल्कुल वरुण थैंक यू डेविल्स कितने मार्क्स का आता है वर्क फॉर्म वर्क की फॉर्म पे ऐसा सवाल कैसे देखिए वर्ब का स्पॉटिंग एरर्स ग्रामर जो आती है स्पॉटिंग एरर्स के रूप में आती है फिर आपकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में आती है फिर इन द ब्लैंक्स में आ सकती है क्लोज टेस्ट में आ सकती है तो ये वाल इस तरह से आती है अब उसमें कौन सा सवाल आए कितने मार्क्स की वर्ब की फॉर्म आती है वो कुछ नहीं है कभी आता है कभी नहीं भी आता और इसमें अगर आपको कोई कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो तो गूगल प्ले स्टोर पे आप जाइए फिर वहां से ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए एम डी क्लासेज ऑफिशियल आप न्यू मेंबर हो तो रजिस्टर पे जाइएगा फिर पेड कोर्सेज पे जाइएगा और पेड कोर्सेज में आपको लाइन से सारे कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे वो सारे सब्जेक्ट्स के कंबाइंड वाले भी हैं और एक एक सब्जेक्ट के भी हैं जैसे सिर्फ इंग्लिश पढ़ना हो सिर्फ मैथ सिर्फ रीजनिंग तो उसके लिए फाउंडेशन कोर्सेज हैं और ये अब नौ बजे कल सुबह मिलते हैं थैंक यू हाँ वरुण चलिए कल भी है और तो लाइक और शेयर जरूर कर दें अब ये वाली क्लास आठ बजे ऐसे ही चलती रहेगी कल आपको जानकारी मिल जाएगी थैंक यू वेरी मच बाय बाय अच्छा एक सेकेंड रुकिएगा आपने क्या आपको कमेंट दिखाई प्लेलिस्ट बता दी हाँ प्ले आपकी देखिए ग्रुप में आपको एक तो वो की बहुत सारी क्लासेस हुई है अस्सी अस्सी क्लासेस हुई है उसकी प्लेलिस्ट आपको कल तक उस पर शेयर हो जाएगी आज से कल तक आपको वहाँ मिल जाएगी उसके अलावा जो प्लेलिस्ट आपकी और भी हैं कि आप रोज़ क्लासेस चल रही हैं उसकी प्लेलिस्ट देखते हैं उसको शेयर कर देंगे कल तक आपको मिल जाएगी ये लेकिन आप पीछे से पिछली क्लासेस अगर आप मिक्स प्रैक्टिस करना चाहें तो आप पिछली क्लासेस अभी देख लीजिए जो पुरानी क्लासेस हुई हैं वो उसमें मिल जाएगी थैंक यू